जादूसू शब्द कहे गए थे, हम लोगों ने विरोध किया, तो उस विरोध की वजह से हमारे सभी पार्षदों को उससे सदन से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि हम लोग सदन के अंदर लगातार दिल्ली की जनता की बात उठा रहे हैं, लगातार इनके घोटालों को खोल रहे हैं, लगातार सफाई कर्मचारियों की बात उठा रहे हैं, लगातार अनुचित में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों की आवाज को उठा रहे हैं, उनके अरियर बोनस की बात को उठा रहे हैं। इसी वजह से भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो मेयर है, वो चाहते नहीं है कि हम लोग ये आवाज, विपक्ष की आवाज वहां उठे, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने हम सबको निलंबन कर दिया है और बजट सत्र में चर्चा लेने से हमें बाहर कर दिया है। तो आज उसी के विरोध में जब तक हम लोगों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक भाजपा के जिन पार्षदों ने हमारे पार्षदों को अपशब्द कहे हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर टिप्पणियां की हैं, दलित समुदाय के ऊपर टिप्पणियां की हैं, महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां की हैं, जब तक उनको सदन से बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक हमारा ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो तुरंत प्रभाव में अपने इस तानाशाही तुगलकी फरमान को वापस ले, वरना ये आंदोलन सदन से लेके आज EDMC मुख्यालय तक है और कल ही दिल्ली की सड़कों तक उतरेगा अगर ये तुरंत प्रभाव में ये आदेश तुगलकी फरमान वापस लिया गया। सदन में भी देखा गया था, खूब हंगामा हुआ था, उसके बाद भी फिर जो मेयर साहब हैं हमारे विपिन बिहारी जी, वो DCP ऑफिस पर धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद फिर कंप्लेंट दर्ज हुई और FIR लॉन्च की गई। क्या लगता है जिस तरह से ये सब प्रदर्शन जो कर रहे थे BJP वाले उस दिन जो सदन में हुआ था? देखिए, ये लोग पूरी तरह से तानाशाही पे, गुंडई पे उतर आए हैं। इन लोगों ने मन बना लिया है देश के संविधान को तोड़ने का, इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का, विपक्ष की आवाज को दबाने का। पहले ये लोग खुद गलती करेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनकी गलतियां सस्पेंड हमारे पार्षदों को किया जाएगा। ये लोग दिल्ली के लोगों का उसमें अपशब्द कहेंगे, मुस्लिमों का अपशब्द कहेंगे, लेकिन सस्पेंड हमारे पार्षद होंगे। तो इस तरह की दोहरी मानसिकता और ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना, अगर ये बंद नहीं करेंगे, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि आज ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे विपक्ष के पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ होगा और आज इससे ये सदन भी की गरियां